जी हाँ, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपने जितने भी 30 Days 30 Shots वाले चैनल्स देखे सब के सब फेक होते हैं। और ये बात मैं यहाँ पे झूठ मूठ का ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगा के भी बोल सकता था, ताकि आपके दिमाग में डोपामिन लेवल हाई हो जाए और आपको लगे कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा होगा पक्का। अगर आप जेन्युइन क्रिएटर हो तो आप इस वीडियो को देखो। आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये सारे वीडियो फेक क्यों होते हैं और क्या आपको इन्हें देख के अपना शॉर्ट चैनल खोलना चाहिए या फिर रहने दो भाई, बकवास है, कोई फायदा नहीं है सब करके। देखो सिंपल शब्दों में मैं अगर बताऊँ आपको, तो ये सारे जो शॉर्ट चैलेंज होते हैं एक नया क्रिएटर स्टार्ट करता है, तो सिंपली आप ये सोचो ना कि एक नया क्रिएटर अपने वीडियो में 30 Days का भी इन्वेस्ट करेगा एक ही वीडियो में। उसे कुछ पता नहीं है कि इस वीडियो में 1-2 मुश्किल से उतना व्यू आएगा। केवल अपने 1-2 व्यू के लिए अपना 30 दिन कभी इन्वेस्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। उसे तो ये करना है कि अपने 2-3 दिन में ये वीडियो बना लो और बस डाल दो और जो होगा बस देख लिया जाएगा। और इसी चीज को वो करने के लिए ये करते हैं कि शॉर्ट्स 2-3 दिन डालते हैं और उसका स्टेटस को स्क्रीनशॉट करके आपको ऐसा दिखा देते हैं कि वो 30 दिन तक कंटिन्यू शॉर्ट्स अपलोड किए, लेकिन असल में होता यह है कि वो 2-3 दिन ही शॉर्ट्स अपलोड करते हैं। और अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो आप उन क्रिएटर का देख लेना, चैनल का कभी लिंक देते ही नहीं है, वो बस वीडियो बनाकर डाल देते हैं। आपको विश्वास करना है करो, नहीं करना है तो कोई मतलब नहीं। उन्हें प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो वीडियो डाल के पैसा कमा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो झूठ कह रहे हैं आपसे। और अगर इन्हें उन्हें देख के आप भी ऐसे लग जाते हो काम करने, 30 दिन या फिर 2-3 महीना काम करते हो शॉर्ट्स में पूरा मन लगा के, तो आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि चैनल ग्रो नहीं होगा, आपको सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये मोनेटाइज करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट्स में आपका अर्निंग ना के बराबर होता है। अगर आपको शॉर्ट्स में अर्निंग करना ही है तो आपके पास और एक ऑप्शन है, वो स्पॉन्सरशिप का। स्पॉन्सरशिप मिलने के लिए आपके चैनल में होना चाहिए ओरिजिनल कंटेंट और एक पर्टिकुलर नीच। अगर ये दो चीज को आप सेटिस्फाई कर लेते हो तो स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। और शॉर्ट्स में ओरिजिनल कंटेंट खोज पाना बहुत ही मुश्किल है, ये बात आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। शॉर्ट्स में व्यू तो आ जाता है, शॉर्ट्स में व्यू लाना कोई बड़ी बात नहीं। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो, मैं एनिमे के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जिसमें कि व्यू आराम से आ जाता है, लेकिन वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। उसमें भले ही मैंने अपने एफर्ट्स डाला है, लेकिन वो फुल्ली तरीके से ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, इसलिए उसमें ऐड जरूर चल जाएंगे। इसलिए उसमें यूट्यूब शॉर्ट्स की तरफ से अर्निंग तो हो जाएंगे, लेकिन उसमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा। इसीलिए आप टाइम वेस्ट मत करो, और अगर आपको बनाना है तो फुल्ली ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, वरना आप लॉन्ग वीडियो पे शिफ्ट हो जाओ अगर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हो तो। बस।